हेलो दोस्तों, हमारे डॉग हाय वर्ड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास अगर कोई छोटा सा पपी है तो आपको उसको एक टाइम में कितना खाना दे सकते हैं। दोस्तों, ये जो है एड्रूज कंपनी का जो पपी स्टार्टर आता है, वो मैंने थोड़ा सा वार्म वाटर किया था, थोड़ा सा पानी गर्म करके उसमें भिगो के रखा था, 10-15 मिनट तक भिगो के रखा था। और उसके बाद में मैंने ये जिसको मैं अपने पपी को खाना देता हूँ वो था देसी है डिश, उसमें मैंने डाला आप करीबन 40 से 50 ग्राम तक ले सकते हैं डॉग फूड। और उसके साथ में हम पपी को डाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं ये थोड़ा सा डाइजेटॉन हिमालय कंपनी का आता है वो थोड़ा सा मिक्स करूँगा। उसकी क्वांटिटी आप 1 ml से 1.5 या 2 ml तक कर सकते हैं, वो आपका जो वेट डॉक्टर है वो सजेस्ट करेंगे उतना आप डालना। मैं भी 1 ml डालूंगा क्योंकि अभी मेरा पपी छोटा है। देखो, अब मैंने ये डाइजीटोन जो सिरप है वो डाल दिया है, अब इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा कर्ड डालेंगे, अगर आप के पास घर का बना हुआ कर्ड है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको घर पे अवेलेबल नहीं है तो आप किसी जो बेकरी या डेयरी या किसी भी शॉप पे मिलता है वहाँ से भी ला के ऐड कर सकते हैं, पर उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर में ना दे, उसको थोड़ा सा उसका टेम्परेचर कम हो जाए ऐसा थोड़ा सा, ऐसे आप वार्म वाटर में भी रख सकते हैं या ऐसी कोई टेम्परेचर वाली जगह पे रख सकती है जिससे उसका जो कोल्ड टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो जाए ताकि पोपी को खाने में दिक्कत ना हो। देखो, ये ख़त्म हो गया, अब थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो मैं दूसरी जो मेरे पास पाउच पड़ा है मैं उसमें से ऐड करूंगा। ये कर्ड की जो क्वांटिटी है वो आप करीबन 20-25 या 30 ग्राम के करीब रखिए। अगर आप डॉग फूड 40 या 50 ग्राम ले रहे हैं तो कर्ड आप 20 ग्राम ले लीजिए, यानी कि कुल मिला के कर्ड और डॉग फूड दोनों की क्वांटिटी मिल के 65 से 70 ग्राम तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा आप डॉग फूड मत खिलाइए क्योंकि वरना फिर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। अब कर्ड और ये मैंने जो सिरप डाला था डाइजेशन का, डाइजेशन के लिए वो और ये डॉग फूड, अब उसको मैं अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ। अच्छे से मिक्स कर लिया आप, अब हम लेके जाएंगे सोफी को खिलाने के लिए। मेरी जो जर्मन शेफर्ड डॉग है उसका नाम पपी, उसका नाम सोफी है और एक फीमेल है। ये जो मेरे साथ में आ रहा है वो मेरा भतीजा है। ये देखो सोफी कितनी उतावली हो रही है, अब हम देखेंगे कि क्या सोफी इसे ख़त्म कर पाती है या नहीं।
हमारी सोफी को ये ड्रूज का जो डॉग फूड आता है वो और कर्ड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही पसंद है और इन दोनों को खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। अगर आपका पपी एड्रोस का पपी स्टार्टर नहीं लेता तो आप पेडिग्री का, रॉयल कैनिन का, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आपके अगल बगल में जो भी आपको अवेलेबल मिलता है वो कोई भी खिला सकते हैं। जब अच्छी कंपनी के स्टार्टर आते हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप करीबन 4 से 5 महीने तक आप अपने पपी को स्टार्टर पर ही शिफ्ट कीजिए, ताकि वो फेस ऐसा होता है 3 से 4 मंथ के बीच का कि वो अपनी ग्रोथ जितनी कर सकता है वो करेगा, वरना आप इस एज में उसको सही से न्यूट्रिशन नहीं दे पाएंगे, सप्लीमेंट नहीं दे पाएंगे, अच्छे से फूड नहीं दे पाएंगे तो उसकी ग्रोथ हैम्पर हो जाएगी, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। देखो सोफी मज़े से खा रही है। देखेंगे सोफिया ख़त्म कर पाती है या छोड़ देती है थोड़ा सा, क्योंकि आज तक मैं इसे थोड़ा थोड़ा कम देता था, आज मेरे को ऐसा लगा कि वो उसको थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है तो मैंने थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाई है, देखने के लिए कि अगर वो एक ख़त्म कर देगी तो फिर हम यही कंटिन्यू रखेंगे। ये जोनी है, मेरा भतीजा है, ये सोफी की हेल्प कर रहा है खाने में।